हेलो बच्चों, देखो अपन स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्कॉर्पियन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? स्कॉर्पियन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के नर्वस सिस्टम देखो तीन भागों में डिवाइड होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक विस्ट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है चार भागों से मिलकर बना होता है, एक तो ब्रेन या सेरिब्रल गेंग्लियो या सरकम या ओइसोफेजियल कनेक्टिव, सब ओइसोफेजियल कनेक्टिव, और एक है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये दो ब्रेन है, ब्रेन वाला भाग है, ये जो ब्रेन है या सेरिब्रल गेंग्लियो है ये प्रोसोमा वाले भाग में मीडियन आई के नीचे, प्रोसोमा वाले भाग में मीडियन आई के नीचे बाइलोब्ड संरचना होती है जो आठ गेंग्लियन से मिलकर बनी हुई होती है। देखो ये वाला है यहाँ पे, ये प्रोसोमा वाला भाग है, ये मीडियन आई के नीचे और ये बाइलोब्ड संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल गेंग्लियन या ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, ये ब्रेन बोला जाता है। इससे नीचे नीचे थिक मोटी नर्व निकलेगी जो ईसोफेगस को चारों ओर से घेरे हुए होगी, जो क्या करेगी, ईसोफेगस को चारों ओर से घेरे हुए होगी और वेंट्रल साइड में कनेक्टेड होकर किसका निर्माण कर लेगी, सब ओइसोफेजियल गेंग्लियन का निर्माण करेगी। और ये जो ईसोफेगस को चारों ओर से जो थिक नर्व है इसको क्या बोलेंगे, सरकम ओइसोफेजियल कनेक्टिव बोलेंगे, सरकम ओइसोफेजियल कनेक्टिव इसको बोलेंगे। और ये सरकम ओइसोफेजियल कनेक्टिव है, ये ईसोफेगस के चारों ओर, ईसोफेगस के चारों ओर वृत्ताकार रूप में, इसको ईसोफेगस को चारों ओर से घेरे हुई होती है और वृत्ताकार रूप में जो वेंट्रल साइड में कनेक्टेड होकर किसका निर्माण कर लेती है, सब ओइसोफेजियल गेंग्लियन बनाती है। सब ओइसोफेजियल गेंग्लियन से फिर नीचे की ओर क्या निकलती है, एक डबल नर्व निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड उसको बोला जाता है। अब देखो ये जो वेंट्रल नर्व, ये जो ये अपना होता है से ये इंक्लूड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। देखो फर्स्ट तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रल गेंग्लियन हो गया, सेकंड सरकम ओइसोफेजियल कनेक्टिव हो गया, थर्ड सब ओइसोफेजियल गेंग्लियन हो गया, फोर्थ इसके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसकी जो, इससे जो नर्व निकलेंगी ना वो इसकी बॉडी के विभिन्न भागों तक, विभिन्न भागों को नर्व की सप्लाई करेंगी। ठीक है, नर्व की सप्लाई करेंगी तो वो किस में इंक्लूड होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। अब देखो ये जो सेरिब्रल गेंग्लियन या ब्रेन है इनसे कौन कौन सी नर्व निकलेंगी, ठीक है ये देखेंगे अपन, इनसे कौन कौन सी नर्व निकलेंगी। ये वाला भाग इसमें सेरिब्रल गेंग्लियन या ब्रेन है, इसे एक जोड़ी नर्व निकलेगी जो किस में जाएगी, एक तो जाएगी वो लेटरल आई में और एक जाएगी वो मीडियन आई में। देखो नर्व टू मीडियन आई और नर्व टू लेटरल आई, ठीक है लेटरल आई और मीडियन आई को जाएंगी इसकी जो, इससे नर्व निकलेगी वो, और इसे बहुत सारी छोटी छोटी नर्व निकलेंगी जो कहाँ पे जाएंगी, प्री ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ईसोफेगस को जाती हैं। ठीक है, इससे जो नर्व निकलेंगी वो प्री ओरल कैविटी सेरिब्रल गेंग्लियो से जो नर्व निकलेंगी वो लेटरल आई, मीडियन आई, प्री ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ईसोफेगस को नर्व की सप्लाई करेंगी। ठीक है, अब देखो ब्रेन या सेरिब्रल गेंग्लियन के नीचे वाला भाग है जिसको सब ओइसोफेजियल गेंग्लियन बोला जाता है, इनसे जो नर्व निकलेंगी वो, इनसे देखो सबसे पहले तो इसमें छह जोड़ी नर्व निकलेंगी जो इसका प्रोसोमल अपेंडेजेज है उसमें जाएंगी। प्रोसोमल अपेंडेजेज में देखो कौन कौन सी अपेंडेजेज आएंगी, एक तो आएगी कैलिसेरा, पेडीपेल्प और चार जोड़ी इसके अंदर वॉकिंग लेग आएंगे। ठीक है, जो छह जोड़ी ये हैं प्रोसोमल अपेंडिजेज इनको क्या करेगी, नर्व की सप्लाई करेगा। ठीक है, और इसमें दो से चार जोड़ी क्या है, दो से चार जोड़ी सब ओइसोफेजियल गेंग्लियन से दो से चार जोड़ी इसके अंदर वेगस नर्व निकलेंगी जो किस में जाएंगी, दो तो इसके अंदर बुकलंग के, जो स्टार्टिंग के जो बुकलंग हैं दोनों तरफ, ये देखो ये बुकलंग है इसके अंदर, ये बुकलंग है, बुकलंग है, एक दो तीन चार, चार जोड़ी इसके अंदर बुकलंग होती है, ये बुकलंग स्टार्टिंग के दो दो जोड़ी हैं, ये दो नर्व तो इसके अंदर यहाँ पे जाएंगी, दो से चार नर्व इसमें वेगस नर्व निकलेंगी जो दो तो कहाँ पे जाएंगी, बुकलंग में जाएंगी, बुकलंग में नर्व की सप्लाई करेंगी। और जो दो नर्व है वेगस नर्व है वो कहाँ पे जाएंगी, इसके अंदर पैक्टिंग और जेनाइटर ओपरकुलम को नर्व की सप्लाई करेंगी। ठीक है, अब ये देखो सब ओइसोफेजियल गेंग्लियो है, ये नीचे की ओर डबल नर्व निकलेंगी इससे, उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब देखो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है ये वाला भाग है,
मिजोजोमा वाला भाग है और ये वाला भाग है मेटासोमल वाला भाग है, ठीक है। मिजोजोमल वाले भाग में देखो क्या है, मिजोजोमल वाले भाग को प्री एब्डोमिनल गेंग्लियो, इसके अंदर जो गेंग्लियन प्रेजेंट होते हैं इसके वो प्री एब्डोमिनल गेंग्लियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्री एब्डोमिनल वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं गेंग्लियो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री एब्डोमिनल गेंग्लियो बोलते हैं। जो मेटासोमा वाला भाग है या पोस्ट एब्डोमिनल वाला भाग है, इसके अंदर चार जोड़ी गेंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के चार जोड़ी गेंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो, और ये प्रो एब्डोमिनल वाले पोस्ट एब्डोमिनल वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोस्ट एब्डोमिनल गेंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट एब्डोमिनल गेंग्लियन कहा जाता है इनको। अब देखो ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये जो प्री एब्डोमिनल वाला भाग है या इसका जो मिजोजोमा वाला भाग है, इसमें तो इसकी जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये कैसी होती है, इसके अंदर तो जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है वो होती है नैरो होती है और राउंडेड होती है, ठीक है, नैरो होती है और राउंडेड होती है। पोस्ट एब्डोमिनल वाला भाग है, इसके अंदर जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो कैसी होती है, वो रिबन लाइक होती है और फ्लैट होती है, ठीक है। प्रोसोमा वाले भाग में तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड की जो शेप है वो कैसी होती है, नैरो लाइक राउंडेड, और पोस्ट एब्डोमिनल या मेटासोमल वाले भाग में इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, रिबन लाइक होती है और फ्लैट होती है। अब देखो प्री एब्डोमिनल वाले भाग या मिजोजोमा वाला भाग है, इसमें तीन गेंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, और पोस्ट एब्डोमिनल वाले भाग में या मेटासोमा वाले भाग में इसमें चार गेंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखो थ्री गेंग्लियन प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट में, तो ये देखो फर्स्ट से जो दो गेंग्लियन से जो नर्व निकलेंगी वो किस में जाएंगी, जो लास्ट वाले बुकलंग बचे थे स्टार्टिंग वाले, तो ईसोफेगस गेंग्लियन से निकल के स्टार्टिंग वाले जो बुकलंग थे उससे तो ईसोफेगस गेंग्लियन से निकल सब ईसोफेजियल गेंग्लियन से निकल के जो नर्व की सप्लाई होगी इससे, तो जेरोनेल इससे नर्व की सप्लाई। अब जो लास्ट वाले बुकलंग होते हैं, लास्ट वाले दो जोड़ी बुकलंग होते हैं, इसमें नर्व की सप्लाई कौन करेगा, ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाले जो है ना प्री एब्डोमिनल गेंग्लियन जो तीन प्रेजेंट होती है स्टार्टिंग के, ये लास्ट वाली बुकलंग में नर्व की सप्लाई करेंगे, दो जोड़ी तो इसमें नर्व की सप्लाई बुकलंग में हो गई जो, और इसमें कहाँ पे ये जो प्री एब्डोमिनल गेंग्लियन है और कहाँ पे नर्व की सप्लाई करेगा, ये करेगा हेड वाला भाग है और इसकी जो सेगमेंटल मसल्स हैं वहाँ पे जाके ये नर्व की सप्लाई करेगा, ठीक है, हेड में और सेगमेंटल मसल्स में नर्व की सप्लाई करेगा। अब देखो पोस्ट एब्डोमिनल जो गेंग्लियन होते हैं वो कहाँ पे इसकी पोस्ट एब्डोमिनल गेंग्लियन है वो इसकी जो सेगमेंटल मसल्स है ना वहाँ पे जाके नर्व की सप्लाई करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाला गेंग्लियो है, ये वाला गेंग्लियो लास्ट वाला गेंग्लियो है, ये कहाँ पे जाएगा, ये इसके स्ट्रिंग वाले भाग में नर्व की सप्लाई करेगा, स्ट्रिंग या टेल्सिन वाले भाग में जाके नर्व की सप्लाई करेगा।